वेलकम टू माई चैनल। आज मैं जिस स्कॉलरशिप की बात करूँगा वो है इरास्मस मुंडस मास्टर्स स्कॉलरशिप। आप सबसे पहले इसको टाइप करके इसको पेज को ओपन कर लें। इस पेज को ओपन करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन हुआ है उसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है इरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर्स स्टूडेंट्स। हम जरा इसको स्क्रोल डाउन करके नीचे आ जाएँ तो ये इन्होंने लिखा हुआ है वाई अप्लाई इरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर आर प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल मास्टर जॉइंटली डिज़ाइन एंड डिलीवर्ड बाय द ग्रुप ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। दे इन्वॉल्व एटलीस्ट थ्री इंस्टीट्यूशंस फ्राम एटलीस्ट थ्री डिफरेंट कंट्रीज एंड मल्टीपल एसोसिएटेड पार्टनर फ्राम द अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक वर्ल्ड। ये जो आपकी स्टडी होगी ऑलमोस्ट थ्री कंट्रीज के अंदर होगी और थ्री से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट थ्री होंगे। और इसके अंदर आपको बेनिफिट्स आपके क्या क्या होंगे, स्कॉलरशिप अवेलेबल, मास्टर्स में आल्सो ऑफर फुल स्कॉलरशिप टू द बेस्ट रैंक स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड, स्कॉलरशिप कवर योर पार्टिसिपेशन कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू ट्रैवल वीज़ा एंड लिविंग अलाउंस। इसमें आपको वो ट्रैवल भी है उसमें आपको मिल इंक्लूड होगा स्कॉलरशिप में, आपको वीज़ा भी जो कोई चार्जेस नहीं होगा और लिविंग अलाउंस भी होगा और प्लस जो आपकी फ़ी आपकी बिल्कुल कोई नहीं होगी और इसके अंदर अप्लाई करने की भी कोई फ़ी नहीं है, बिल्कुल आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। चलें अभी चलते हैं कि इसके अंदर अप्लाई कौन कर सकता है। पहले चलें ये थोड़ा सा देख लें। टाइप्स ऑफ डिग्री अवार्डेड, ये जॉइंट डिग्री होगी आप टू या थ्री जिन कंट्रीज़ के अंदर करेंगे। फर्स्ट क्या अगर आप थ्री कंट्रीज़ या फोर कंट्रीज़ में करते हैं या तो आपको वो सारे एक ही डिग्री फाइनली आप जब जिस कंट्री में होंगे उसकी आपको डिग्री मिल जाएगी मास्टर की और ये सिर्फ मास्टर लेवल पे होगा। मास्टर लेवल के ऊपर स्कॉलरशिप दी जा रही है इरास्मस मुंडस मास्टर स्कॉलरशिप। और या फिर ये जो आप तीन या चार कंट्रीज़ हो गए हैं वो आपको हर कंट्री आपको एक एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि इसने एक सेमेस्टर की स्टडी की है, इसने एक सेमेस्टर आपके तीन सेमेस्टर वाइज आपके कंट्रीज़ डिफरेंट होते रहेंगे। ये इस स्कॉलरशिप मोस्टली यूरोप के अंदर या यूरोप से बाहर भी इस आपका कोई सेमेस्टर हो सकता है लेकिन मोस्टली यूरोप के अंदर ही। अभी चलते हैं इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है। अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल सा है और इसकी डेडलाइन क्या है इन्होंने लिखा हुआ है इन मोस्ट केसेस यू शुड सबमिट योर एप्लीकेशन बिटवीन अक्टूबर एंड जनवरी फॉर कोर्सेज स्टार्टेड इन फॉलोइंग एकेडमिक ईयर। तो अभी आप देख लें अभी काफ़ी टाइम है, अक्टूबर टू जनवरी के अंदर ये हर साल ये इनके ओपन होते हैं इरास्मस मुंडस मास्टर के जो स्कॉलरशिप हैं। अभी हम इसके चलते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है और कौन से कोर्सेज हैं। अब यहाँ पर आप लिंक देख रहे हैं, सर्च द कोर्स कैटलॉग, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक पेज आ रहा है, पेज के ऊपर आपको इन्होंने बताया हुआ है इरास्मस मुंडस कैटलॉग 214, इसका मतलब है 214 प्रोग्राम हैं जो जिनके अंदर ये स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं। ये देखें इन्होंने नीचे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट लोकेशंस, ये फोर कंट्रीज़ के अंदर बेल्जियम पुर्तगाल आयरलैंड एस्टोनिया। दूसरे में आप देख लें दूसरा इनका प्रोग्राम है सेफ़ एंड रिलायबल न्यूक्लियर एप्लीकेशन, ये फ्रांस फिनलैंड स्पेन और स्लोवेनिया, इन चार कंट्रीज़ के अंदर। इसका मतलब है हर एक के अंदर एक एक सेमेस्टर या आपकी अपनी चॉइस होगी आपने, लेकिन एटलीस्ट आपने टू या थ्री कंट्रीज़ आपने लाजमी इसके अंदर आपने सेलेक्ट करने हैं, थ्री लाजमी करने। ये बाकी इनकी आप देख लें कौन कौन से कोर्सेज हैं, या तो आप यहाँ से कोर्स वन बाय वन चेक कर लें उनको नेक्स्ट कर लें, या फिर इसका तरीका ये है कि यहाँ पे आप टाइप कर लें, यहाँ पे आप टाइप करके भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे आप इधर लिख लें बिजनेस का, जैसे ही आप बिजनेस लिख के इधर से आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लें किस कंट्री में आप करना चाह रहे हैं, या फिर सिंपली आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर दें या वन बाय वन आप सारे कोर्स भी चेक कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया कि बिज़नेस जिनके अंदर बिज़नेस का कोई वर्ड आ रहा है उसमें ये टू कोर्सेज हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। जैसे फ़र्ज़ किया हम इसके ऊपर चले जाते हैं,
ये अब इसकी कोर्स की इन्होंने डिटेल बता दी है कि ये स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा, स्टार्टिंग इसकी इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग कब हुई थी और ये एंड कब हो रहा है, ये वाला, ये जो हर साल ये जो दे रहे हैं, दो दो 2020 के अंदर हुआ था, और इनकी जो EU ग्रांट है वो कितनी है, यूरोपियन ने इसको ग्रांट कितनी टोटल इसको दी हुई है इस प्रोग्राम के लिए, वो ये सारा बाकी इसकी इन्होंने समरी बताई हुई है कि ये क्या है, किन किन कंट्रीज़ में होगा, किस तरह का होगा ये प्रोग्राम, यूरोपियन मास्टर साइंस सस्टेनेबल फूड, ये सारा कुछ इन्होंने डिटेल बताई हुई है, और पार्टनर इनके कौन कौन से होंगे, ये आप देख लें सारा अगर आपने देखना है। लेकिन मैं आपको मेन आपको बताता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। जैसे ये है, जो जो जितने भी प्रोग्राम हैं उनके नीचे आपको एक लिंक नज़र आ रहा है, जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप उस प्रोग्राम के जहाँ पे अप्लाई करना है उसकी साइट पे आप चले जाएंगे। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें जो मेरे पास अभी जो पेज ओपन हो गया है, ये वाला एक पेज ओपन हो गया, इन्होंने इसके इंट्री रिक्वायरमेंट लिखी हुई है सारी, होल्ड अ बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास हो, बायोलॉजी हेल्थ साइंसेज स्टूडेंट हैविंग अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इस तरह इन्होंने सारी इसकी डिटेल बताई हुई है इसके बारे में, और ऊपर इन्होंने अप्लीकेशन एंड एडमिशन, एडमिशन एंड सिलेक्शन इसके ऊपर आप चले जाएँ तो आपको ये सारी डिटेल बता रहा है। फिर उसके बाद उसने एलिजिबिलिटी बता रहा है कि कैसे आपकी एलिजिबिलिटी, आपने बैचलर डिग्री की हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, ये वो सारा, आप इसको सारे को डिटेल से पढ़ लें, और किन एक्सपेक्टिव साइंटिफिक बैकग्राउंड इन द फॉलोइंग हेल्थ साइंस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इस तरह इन्होंने बताया कि इनके अंदर अगर आपकी है आपकी बैकग्राउंड है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है, जितने भी ये कोर्सेज़ हैं इनके तरफ, ये मैं आपको बता दूं इसके अंदर फ़र्क ये है कि नॉर्मली जब हम करते हैं बैचलर के बाद तो हम जैसे ही हम करते हैं कंप्यूटर, हमने बैचलर किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में तो हम मास्टर भी फिर कंप्यूटर साइंस में करते हैं, हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो मास्टर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करते हैं, या फिर हम कुछ सब्जेक्ट वाइज करते हैं जैसे पोलिटिकल साइंस मास्टर, लेकिन ये इन्होंने जो कोर्सेज इन्होंने डिज़ाइन किए हुए, इन्होंने स्पेशल डिज़ाइन किए हुए हैं उसके लिए, अपने अपनी डिमांड के हिसाब से कि वर्ल्ड में जिनकी डिमांड है कोर्सेज़ की उनकी, इसलिए इनके इनके नाम ज़रा काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के हैं। आप देख रहे होंगे इसका नाम है सेफ़ एंड रिलायबल न्यूक्लियर एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस, ये इस डिग्री का नाम है, एरोस्मस मंदस मास्टर प्रोग्राम इन पब्लिक पॉलिसी, इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट के नाम है। जैसे अगर आपकी आईडी की बैकग्राउंड है तो आप देख लें मेरा कोर्स इसके अंदर, आप ये इसमें स्पेशलाइज करवा रहे हैं किसी खास सब्जेक्ट्स के अंदर, ये आपको स्पेशलाइज करवा रहे हैं, तो आप जैसे रोस्मस जॉइंट मास्टर प्रोग्राम इन इमेजिंग, तो अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपने BCS वगैरह किया हुआ है तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। जैसे अगर आपकी मेडिकल की फील्ड है तो आपके लिए ये वाला कोर्स यूरोपियन मास्टर ऑफ साइंस इन स्किन हेल्थ एंड केयर, तो ये बेस्ट हो सकता है। अगर आपकी कोई बिजनेस की है तो जैसे इधर आ जाएं नीचे नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखें और आ गए हैं प्रोग्राम, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम है, इन्वायरमेंटल साइंसेज पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट से मतलब, अगर आप इन्वायरमेंट अगर आप देख रहे हैं आपकी डिग्री के अंदर ये वाला कोर्स मैच कर रहा है तो इनके ये देख लें, ये है यूरोपियन मास्टर लॉ एंड इकोनॉमिक्स, आप इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा में कर सकते हैं, 10 में कर सकते हैं, 20 में कर सकते हैं, और इनकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है किसी भी प्रोग्राम की, और बाद में ये आपका कोई इंटरव्यू आपका कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन समथिंग, अगर आपने इसमें आप सारे इनके प्रोसीजर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको 100% आपको एम्बेसी जो है वो वीज़ा दे देगी, जो फर्स्ट कंट्री जिसमें आप जा रहे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वो आपको वीज़ा दे देंगे, और ये आपको या फिर आपको टोटल ये गाइड करेंगे किस तरह आपने वीज़ा लेना है, ये इसका एक टोटल इसका कंप्लीट इसका एक प्रोसीजर है, बहुत ही आसान सा तरीका है, आप इसमें अप्लाई करें, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मुझसे आप राबता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।